हाय, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे सेक्शन 18 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882। सेक्शन 18 कहता है कस्टमरी ईजमेंट्स, कि कुछ ईजमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक पर्सन को कस्टम के रीजन की वजह से मिल जाती है, कि कुछ उस प्लेस के कस्टम्स ऐसे होते हैं कि उन कस्टम्स की वजह से उस पर्सन को उस चीज की ईजमेंट मिल जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कॉमन लैंड है, एक कॉमन लैंड है जहां पे सारे विलेजर्स जो हैं अपनी कैटल को ग्रेस करने के लिए लेके जाते हैं। एक कॉमन लैंड है जहां पे सारे विलेजर्स अपनी कैटल को ग्रेस करने के लिए लेके जाते हैं। अब ये एक नया पर्सन विलेज के अंदर आता है और एक अनकल्टीवेटेड लैंड वहां पे खरीदता है। उस अनकल्टीवेटेड लैंड को खरीद के वहां पे कल्टीवेशन करना शुरू करता है। तो अब यहाँ पे जो ए है वो भी उस विलेज का एक मेंबर बन गया और उसके पास भी वहां पे एक लैंड है। तो अब उसके पास भी ये कस्टमरी ईजमेंट आ जाता है, कस्टम के कारण ये ईजमेंट आ जाता है कि अब वो भी अपनी जो कैटल है उसको उस कॉमन लैंड के ऊपर ले जाके गेज करवा सकता है, गेजिंग करवा सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसा कस्टम था उस विलेज के अंदर कि जितने भी विलेजर्स हैं वो एक कॉमन लैंड के ऊपर अपनी कैटल्स को गेज करा सकते हैं। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक विलेज है, उसके अंदर ऐसा कस्टम है कि कोई भी जो एक ओनर होगा एक प्रॉपर्टी का, एक बिल्डिंग का जो ओनर होगा वो अपनी उस बिल्डिंग के अंदर विंडो ओपन नहीं करेगा उस तरफ जिस तरफ उसके नेबर का घर होगा। अब ये एक पर्सन था, उसकी एक बिल्डिंग थी, उसकी बिल्डिंग के साइड में बी एक पर्सन आके अपना घर बनाता है। तो यहां पे बी को कस्टमरी ईजमेंट मिल जाती है कि ए जो है अब उस तरफ अपनी विंडो नहीं बनाएगा जिस तरफ बी ने अपना घर बनाया है, ताकि उसकी प्राइवेसी जो है वो खत्म ना हो। तो ये एक तरीके की कस्टमरी ईजमेंट होती है, कि कस्टमरी ईजमेंट मतलब कि उस जगह पे ऐसा कस्टम था कि ऐसी चीज होगी तो ऐसी ईजमेंट होगी, तो उस रीजन की वजह से हमें वो ईजमेंट मिल जाती है। तो इसी को हम कस्टमरी ईजमेंट बोलते हैं, जो सेक्शन 18 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के अंदर समझाई गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 19 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 को समझेंगे।